तेरे को बोला था ना, एक दिन अपना इंटरव्यू भी मैगजीन में छपेगा, देख वो दिन आ गया। तो भाई लोग, अपुन के भाई बनने की कहानी कुछ ऐसी है। नहीं सर, आपकी कहानी में हम लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। ए, क्या होगा? मैंने बोला कि आपकी कहानी में हम लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, प्लीज। मतलब ये अरे सर, इसका मतलब इसको खुद नहीं मालूम। मैं समझाता हूँ सर। सर क्या है ना कि आपकी जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कातिया भाई आपकी भी, लेकिन हम उस काम से यहाँ पर आए नहीं। क्या काम है? सर वो जो भारती जी ने हाल ही में हमला हुआ ना, हम उसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। अरे उसमें छानबीन क्या करनी है? जिसने हमला किया उसे तो पुलिस ने पकड़ लिया ना। नहीं नहीं, जिसे पकड़ा सब पकड़ा। देखिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम लोगों को। मेरी माँ थी ना। सर आप अपनी माँ को क्यों बीच में? ओ मैडम, माँ सबसे पहले होती है, रिस्पेक्ट बता। हाँ तो मेरी माँ का चश्मा एक बार खो गया, बहुत ढूंढा इधर उधर, किधर ही नहीं मिला, लेकिन बाद में पता है किधर मिला? उसकी आंखों पर। नहीं यार, ये एपिसोड एक्चुअली भारती मैम के साथ में शूट किया हुआ है, और काफ़ी एक्चुअली यू नो ऐसा स्टोरी है जहाँ पर भारती जी पे एक हमला होने वाला है, तो हम सिर्फ यही फिगर आउट कर रहे हैं कि ये हमला किसने किया है। तो फिलहाल हम एक भाई बने पॉलिटिशियन को मिलने आए हैं। हाँ, क्योंकि वो पहले मतलब पॉलिटिशियन तो बन गए पर पहले भाई थे ना, तो आई थिंक हाँ दादा थे, तो शायद उनमें से वो कुर्ता तो वाइट आ गया है, पर भाईगिरी शायद कहीं ना कहीं नहीं गई होगी। आने वाले दिनों में क्या देखने मिलेगा नया? यार काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स एक्चुअली अभी आने वाले हैं। भारती जी का एपिसोड इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और कुछ हमारे एक्चुअली स्टोरीज हैं। अभी हम बहुत जल्द एक जंगल एनवायरनमेंट में भी शायद होंगे, तो आप लोग को देखने को मिले। कितना हेक्टिक होता है 12-13 घंटा? यार सी 12 आवर्स तो वर्किंग है, देन द 1 आवर दैट यू लीव फ्रॉम योर हाउस, द 1 आवर दैट यू गेट अप, मुश्किल तो है, हेक्टिक भी है यार, बट आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे ना यही तुम्हारी लाइफ बन जाती है। सो दिस इज़ योर फैमिली, दिस इज़ योर फ्रेंड्स, दिस इज़ योर लंच, दिस इज़ योर डिनर। हेक्टिक बहुत है लेकिन है, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।